आमतौर पे ये समझा जाता है कि बहुत तकलीफ़दह प्रोसेस है, इसमें बेहोश करना होता है और बड़ा इसमें तकलीफ़ उठानी पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं और इसमें हम प्रोसीजर के दौरान मरीज़ से बातें करके उसका तवज्जो बटाए रखते हैं और माहौल को एक सही रखने की कोशिश करते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान सिया है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेलोल लाहौर में अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज ए डेंटल सर्जन और डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ। निस्सर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से मैंने BDS किया, उसके बाद डेंटल हॉस्पिटल लाहौर से हाउस ऑफ करने के बाद अपने मुल्क के चंद मशहूर असाज़ा इकराम के साथ काम किया और पिछले 22 साल से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब हम आते हैं डेंटल इम्प्लांट की तरफ। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट किसी भी निकाले गए दांत को रिप्लेस करने के लिए एक जदीद तरीन तरीका है। इसमें हम सबसे पहले मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं कि इसमें कोई उसको कोई और बीमारी तो नहीं जो कि हमारे इस प्रोसेस की राह में रुकावट बन सके। उसके बाद हम उसका एक्सरे करते हैं मुख्तलिफ एंगल से और मरीज़ के जबड़े की हड्डी को जांचा जाता है कि वो इम्प्लांट करने के काबिल है या नहीं। इम्प्लांट से पहले ये होता था कि जब मरीज़ अपना कोई दांत निकलवा देते थे तो उस नए दांत को रिप्लेस करने के लिए 7 के 2 कुदरती दांतों को ग्राइंड किया जाता था और इस तरीके को ब्रिज करना कहते थे, यानी कि मल्टीपल क्राउनिंग। इसमें फ़ायदा ये था कि ये सस्ता है निस्बतन, लेकिन नुकसान ये है कि 7 के 2 हेल्दी दांतों को ग्राइंड करके उनकी जो मुस्तकबिल की हिफाजत को हम ख़तरे पर लगा सकते थे। जब से डेंटल इम्प्लांट्स आए हैं ये ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो गया। अब जिस जगह से दांत निकाला गया होता है वहीं पे हम सुन करके और बोन में जॉ बोन में ड्रिल करके वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह हम फिट कर देते हैं। इसमें मरीज़ की जनरल सेहत, उसकी जबड़े की हड्डी की क्वालिटी बहुत काउंट करती है। खुदा ना खास्ता अगर मरीज़ इसमें इम्प्लांट लगने के लिए क्वालिफाई ना कर रहा हो तो हम उसमें आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ये भी ह्यूमन बोन ही होती है लेकिन इंतहाई रिफाइंड तरीके से हम इसको उसमें जॉ बोन के साथ मिला के ऊपर इम्प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांट बेसिकली सेहतमंद मरीज़ों के लिए लगाया जाता है। इम्प्लांट लगाने के लिए उम्र की आमतौर पर कोई कैद नहीं होती, हम बच्चों से लेकर जवानों और बूढ़ों तक को भी लगाते हैं। एक नॉर्मल इम्प्लांट को जबड़े की हड्डी से मिलने के लिए 2 से 2.5 माह दरकार होते हैं। अगर इसमें हम आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं तो हमें 3 से 3.5 महीने लग सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन हम 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये समझते हैं कि मरीज़ के इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगा के उसका जबड़ा पूरा कर देना चाहिए। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बहुत तकलीफ़दह प्रोसेस है, इसमें बेहोश करना होता है और बड़ा इसमें तकलीफ़ उठानी पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं और इसमें हम प्रोसीजर के दौरान मरीज़ से बातें करके उसका तवज्जो बटाए रखते हैं और माहौल को एक सही रखने की कोशिश करते हैं। डेंटल इम्प्लांट के बारे में बहुत से मिथ्स हम लोगों में पाई जाती हैं, मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को दूर कर दिया जाए। पहली बात तो ये कि किसी भी ख़ास बीमारी का डेंटल इम्प्लांट से कोई इतना ताल्लुक नहीं है कि उसके साथ हम इम्प्लांट नहीं कर सकते। डायबिटीज़ या शुगर वाले मरीज़ों का भी इम्प्लांट हो सकता है, एक मुनासिब हद तक एज फैक्टर भी है, और स्मोकर्स ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सिगरेट पीने वाले हजरात के लिए खबर अच्छी नहीं है कि उनके इम्प्लांट को हम आमतौर पर इनक्रेज नहीं करते, क्योंकि निकोटीन जो है वो डेंटल इम्प्लांट को इंसानी बोन के साथ जुड़ने में थोड़ी सी रुकावट पेश आती है। इसके अलावा जो बाकी तमाम बीमारियाँ हैं उनका कोई इस कदर ऐसा ताल्लुक नहीं है कि उसमें हम डेंटल इम्प्लांट नहीं कर सकते। डेंटल इम्प्लांट लगने के बाद मरीज़ अपने दांतों से हर चीज़ बखूबी उसी तरह खा सकता है जैसे कि वो अपने कुदरती दांतों के होते हुए खा सकता था। बस एहतियात ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा दबाव वाली या सख्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चूँकि इम्प्लांट जितना मर्जी भी अच्छा हो वो एक बहरहाल एक मसनूई चीज़ है और एक मसनूई चीज़ को हम किसी भी तौर पे कुदरती चीज़ के बराबर नहीं ला सकते, उसके करीब तरीन ला सकते हैं। इम्प्लांट की हिफाजत इस तरह की जा सकती है कि रोज़ाना रात सोने से पहले जैसे कुदरती दांतों को ब्रश करके सोते थे इम्प्लांट वाले एरिया को भी इसी तरह साफ़ करके सोया जाए, और सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि मसूड़े इसमें बहुत अहम रोल करते हैं। इम्प्लांट करने के बाद मसूड़ों की सेहत पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हर 6 माह के बाद अपने डॉक्टर के पास जाके मसूड़ों की सफाई स्केलिंग करवानी चाहिए ताकि मसूड़ों में प्लाक जमा होकर उनको ख़राब ना करे। मसूड़ों के में किसी किस्म की इन्फेक्शन भी जॉ बोन और इम्प्लांट को मुतासर कर सकती है। दांतों और मसूड़ों की सेहत और उनकी बीमारियों के किसी किस्म के मसले के लिए आप मुझसे
براہ راست میرے کلینک پہ یا marham.pk کے تھرو آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.